सबसे प्रसिद्ध लीग आईपीएल इंडियन प्रीमियर लीग, इसको लेकर के अब लगातार चर्चाएं तेज हो गई हैं, क्योंकि वाइकॉम ईटी ने अब इनके मीडिया राइट्स खरीद लिए हैं और इसी के चलते हुए अब देश ही नहीं विदेशों में भी अलग अलग जगह पर इनका पूरा का पूरा जो खेल है वह देखने को मिल सकता है। और इसी के चलते हुए भारत का तो प्रमोशन हो ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ विदेशी खिलाड़ी जो भारत में आकर के प्रदर्शन करते हैं उन सभी के प्रदर्शन को भी वह घर बैठते हुए देख सकते हैं। साथ ही इससे बीसीसीआई को तो फायदा है ही, लेकिन वहीं दूसरी तरफ खिलाड़ियों को भी फायदा है। और पर एक मैच की फीस कितनी लगने वाली है और क्या कुछ फायदे होते हुए नजर आ रहे हैं और किस प्रकार से इस मीडिया राइट्स को खरीदा गया है, सीधा रूबरू कराते हैं हमारे इस रिपोर्ट में। वाइकॉम आईटी नेटवर्क ने अगले 5 साल के लिए आईपीएल के डिजिटल मीडिया राइट्स हासिल कर लिए हैं। इस बड़े करार के एक दिन बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर नीता अंबानी ने कहा कि कंपनी इसे देश और दुनिया के हर क्रिकेट प्रेमी तक ले जाना चाहती है। नेटवर्क का लक्ष्य विश्व स्तरीय आईपीएल कवरेज तैयार करना है। उन्होंने यह भी कहा कि आईपीएल भारत में सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करता है और टूर्नामेंट की पहुंच देश के हर घर तक होगी, जो वर्तमान में एक डिजिटल क्रांति के दौर से गुजर रहा है। आईपीएल की मीडिया राइट्स की ई नीलामी के बाद में पहली बार प्रतिक्रिया देते हुए रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर नीता अंबानी ने यह भी कहा कि खेल हमारा मनोरंजन करते हैं, प्रेरणा देते हैं और हमें साथ लाते हैं। क्रिकेट व आईपीएल भारत और खेलों में सर्वश्रेष्ठ का प्रतिनिधित्व करते हैं। यही कारण है कि हमें इस शानदार खेल और अद्भुत लीग के साथ अपने जुड़ाव को और गहरा करने पर गर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि हमारा मिशन आईपीएल के शानदार अनुभव को हर क्रिकेट प्रेमी तक ले जाना है, चाहे वे हमारे देश या दुनिया के किसी भी हिस्से में हो। वाइकॉम 18 ने मंगलवार को आईपीएल मीडिया राइट्स के पैकेज बी के लिए 20,500 करोड़ रुपए की सफल बोली लगाई। यह प्रति मैच 50 करोड़ रुपए है और जिसका भुगतान 410 मुकाबलों के लिए किया जाएगा। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही, बने रहिए न्यूज़ 19 के साथ। नमस्कार।